एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पूजा ढिलो, आज मैं आप सभी को जो रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं इस ईयर, उन सभी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जो 31 अक्टूबर को रिलीज़ होगा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, मतलब इससे पहले भी हो सकता है और 31 अक्टूबर तक होगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ामिनेशन 2020, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिज़ल्ट आएगा 31 अक्टूबर तक। उसके बाद आपका जो कांस्टेबल है मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ामिनेशन जो 2020 में हुआ था, उसका भी 31 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका कम्बाइंड हायर सीनियर हायर सेकेंडरी लेवल का जो CHSL का एग्ज़ाम था 2020, वो आपका 30 नवंबर 2021 तक आ जाएगा, मतलब नवंबर तक आ जाएगा आपका। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्ज़ामिनेशन हुए थे 2019 में, उसका भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 30 नवंबर तक आ जाएगा। उसके बाद कम्बाइन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था ट्रायल वन, वो 11 दिसंबर तक आ जाएगा उसका रिज़ल्ट आपका। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एग्ज़ामिनेशन 2019 का जो रिज़ल्ट है वो आपका 31 जनवरी 2022 तक आ जाएगा। ऐसा ही इन दिल्ली पुलिस CRPFS एंड ASI इन CISF एग्ज़ामिनेशन 2019 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आपका 31 जनवरी 2022 तक आ जाएगा। कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन 2019 का जो रिज़ल्ट है वो आपका 15 फरवरी 2022 तक आ जाएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम्स जो हुए थे और उनका रिज़ल्ट जो है वो इतनी तारीख तक डिक्लेयर हो जाएगा। सो आई होप बेस्ट आपका रिज़ल्ट आए इसके अंदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।